गाइस, वेलकम टू ई विद्यार्थी डॉट इन। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोयम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? हाउ डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कैसे हमारे पोएट का मूड, जो उसकी मनोस्थिति थी, उसको बदल दिया? हाउ इज द पोएट मूड चेंज? और किस प्रकार से पोएट का जो मन था वो बदल गया, उसकी जो स्थिति थी वो बदल गई। सो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो फ्लेक्स या स्नो। ओके, तो स्नो के छोटे छोटे टुकड़ों को हम स्नो फ्लेक्स या डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। अब ये जो अचानक से हमारा ये डस्ट ऑफ स्नो गिरने लगता है हमारे पोएट के ऊपर, इसकी वजह से पोएट के मूड में, उसके मन में बदलाव आता है। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उसका मूड पहले सैड था, लेकिन जब ये हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स थे, स्नो के जो डस्ट थे, जब वो उसके ऊपर गिरे तो वो खुश हो गया। He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. So, पहले उसका जो दिन था वो बिल्कुल खराब जा रहा था, लेकिन जैसे ही dust of snow इसके ऊपर गिरी तो ये बहुत ही ज्यादा refreshed feel करने लग गया, तरोताजा feel करने लग गया, और अब ये अपना पूरा दिन enjoy करना चाहता था खुशी खुशी। So, this is your question number one. Now, question two क्या है आपका? Question two कहता है, how does Frost प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? किस प्रकार से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को, प्रकृति को यहाँ पे दिखाया है? द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रकृति का इस्तेमाल किया है अपने इस पोएम के अंदर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, What are the birds that are usually named in the poem? ज्यादातर आपने किस तरीके के पक्षियों को पोएम के अंदर, कविताओं के अंदर सुना होगा? मैंने ज्यादातर मोर, मैना, तोता, इन सबको सुना है पोएम के अंदर, गीत संगीत के अंदर, क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा सुंदर होते हैं एक तो, और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा हमें मन को, हमारे मन को खुशी देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को दिखाया है। नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? क्या आपको लगता है कि क्रो का मेंशन, क्रो को कहीं पे किसी पोएट ने यूज किया होगा, या किया जाता है ज्यादातर क्रो को कहीं यूज पोएम्स के अंदर? मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्रो काफी कैसा होता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, तो बहुत कम ही पोएट क्रो का इस्तेमाल करते हैं अपने पोएम्स के अंदर। What images come to your mind when you think of a crow? अब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या क्या images आपके दिमाग में आती है, आपके मन में क्या क्या बातें आती है जब भी आप crow के बारे में, कौवे के बारे में सोचते हो। So answer में क्या लिखेंगे, Generally poet takes the bird and tree which are known for their beauty and good qualities. तो ज्यादातर जो poet होते हैं, जो कवि होते हैं, वो सुंदर birds को लेते हैं, सुंदर trees को लेते हैं जिनके अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है। अब इसको देखो, इसको देखने के बाद, इस पूरे पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है वाह, मतलब ये नेचर है, ये एक्चुअली में नेचर है ना। ब्लू कलर का बर्ड है, आसपास रंग बिरंगे फ्लावर्स है, तो इनको लेके कोई भी पोएट क्या कर सकता है, एक मधुर, एक प्यारी सी कविता लिख सकता है। तो कौन कौन से बर्ड्स का इस्तेमाल होता है? जनरली हम देखते हैं हमारे पोएम्स के अंदर पीकॉक, पैरट, कुकू, मैना और ट्रीज का इस्तेमाल होता है, जो इनके ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हो या फिर कोई अच्छी फ्रूट हो, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कोई भी पोएट अपने पोएम में करता है। और क्यों करता है? ताकि वो ब्यूटी दिखा सके, ताकि वो अच्छी बातें बता सके। लेकिन यहाँ पे फ्रॉस्ट ने क्या किया, बट हियर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। बिल्कुल उसने डिफरेंट अप्रोच लिया, अलग तरीके से उसने इस पोएम में चीजों को इस्तेमाल किया। He chose a crow which is not often used in poem. Poem में ज्यादातर जब भी कविताएं देखते हैं हम, तो कौवे का इस्तेमाल नहीं देखते हैं। Crow is black in color with a very harsh voice and believed to be symbol of bad omen. So जो crow होता है वो basically काला रंग का होता है, और काला हमेशा अशुभ माना जाता है। तो एक तो ये काला है, उस पर से इसकी वॉइस जो होती है, जो इसकी वाणी होती है, वो बड़ी हार्श होती है, कर्कश होती है,
और ऐसा माना जाता है कि ये जो कौवे होते हैं वो बुरा शगुन लेके आते हैं, बुरे होते हैं, किसी भी काम को अगर करने जाओ कौवा दिख जाए तो आपका काम खराब हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन पोएट ने यहाँ पे क्यों यूज किया, ये दिखाने के लिए कि उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था और इस क्रो की वजह से उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो गया। ना यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन था लास्ट में, What image come to your mind when you think of a crow? तो क्रो की जब आप बात करते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है? तो मेरे माइंड में क्या इमेज आती है? डिप्रेशन की, सोरोफुल की, कि दुखी होना, डिप्रेशन होना। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो लेटर्स या वर्ड्स हैं जो मैं क्रो से रिलेट कर सकती हूँ, आप कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन सी चीज़ें क्रो से रिलेट करते हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। So thinking of a crow brings very depressing and sorrowful picture to our minds or my mind. Next question number 2, इसी के अंदर था। Now यहाँ पे पूछ रहा है, Again what is a hemlock tree? Hemlock tree क्या है? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? तो सबसे पहले पूछा है कि हेमलॉक ट्री क्या है और हमारे पोएट ने सुंदर सुंदर पेड़ों को क्यों नहीं दिखाया, चाहे वो मेपल ट्री हो कुछ इस तरीके से दिखता है, ओक के ट्रीज है होते हैं जो कि इस शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं, और पाइन के, तो इनका यूज ना करके उसने किसका इस्तेमाल किया, हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया। क्यों? तो देखो, a hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. तो हेमलॉक ट्री कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, और इनके अंदर छोटे छोटे व्हाइट सफेद कलर के फूल खिलते हैं। The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, he did so to present his mood and feeling. So, hemlock tree का इस्तेमाल करके वो beauty नहीं add करना चाह रहे थे इस poem में. Actually, में वो hemlock tree का इस्तेमाल इसलिए करना चाहते थे ताकि वो इसके जरिए अपने प्रेजेंट मूड को बता सके कि जब ये पोएम वो लिख रहे थे, जब ये पोएम हुआ, जब ये पूरा इंसिडेंट हैपन हुआ, तो उनका मूड कैसा था, डिप्रेसिंग था और सैड था। अगर वो हेमलॉक ट्री को यूज करते तो यहाँ पे उनका मूड कैसा हो जाता, खुशी आनंद वाला, ठीक है। तो यही कारण था कि हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया गया था। अगर डीपर मीनिंग और जाओगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इनऑस्पिशियस था हमारे ये हेमलॉक ट्री, बट स्टिल इनऑस्पिशियस होने की वजह से, इनऑस्पिशियस होते हुए भी हमारे पोएट के मन में, उसके पूरे दिन में चेंजेस लाए और अच्छे चेंजेस लाए इस हेमलॉक ट्री के इंसिडेंट की वजह से। सो दिस इज द डीपेस्ट मीनिंग ऑफ दिस पोएम, ऐसे हम ये वाली चीज लिख सकते हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सैरो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रो और हेमलॉक किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को, खुशी को, आनंद को, या फिर सौरो को, दुख को, डिप्रेशन को। What does the dust of snow that the crow shook off a hemlock tree stand for? तो जो वो जो dust of snow गिरा था hemlock tree से, उसको क्या यहाँ पे stand किया गया, उसको क्या माना गया है इस पूरे कविता के अंदर? तो देखो, crow और hemlock tree जो है वो किसको हमेशा दिखाएंगे, स्वरों को, यानी कि दुख को, depression को। इंसान जब बहुत ज़्यादा निराशावाद हो जाता है तो इन सबको दिखाने के लिए hemlock tree क्रो का इस्तेमाल करते हैं। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि ये जो वास्तविक दुनिया है जहाँ पे वस्तुओं का ही मोल है, इस दुनिया में सोरो और डिप्रेशन को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ, क्रो और हेमलॉक का। द डस्ट ऑफ स्नो इज अ सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या दिखाता है, नेचुरल जॉय, यानी कि जो प्राकृतिक आनंद है उसको दिखाता है और एनर्जी को भी दिखाता है। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक ऑफ अ हेमलॉक ट्री मींस पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेसिंग मोमेंट द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। तो जैसे ही ये जो हमारा सिंबल था किसका, जॉय ऑफ नेचर और एनर्जी का, वो जैसे ही हमारे पोएट के ऊपर पड़ा, कवि के ऊपर पड़ा, तो वो एक सैड फेज से किसमें चेंज हो गया, उनका जो मूड था वो किसमें चेंज हो गया, हैप्पी के अंदर, एक जॉयफुल मूड के अंदर वो
चेंज हो गए। तो यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाया गया है बाय यूजिंग डस्ट ऑफ स्नो, और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्पी मूड, जॉयस मूड को। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नाउ अपन क्या करेंगे, हम आपसे अलविदा लेंगे और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।